हाय फ्रेंड्स, हैप्पी संडे टू यू ऑल। गूगल केयर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग संडे स्पेशल में कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, और आज हम लोग ऐसे जगह घूमने चलेंगे जहाँ पर हम लोग तीन चीज़ का आनंद ले सकते हैं। पहला लेक, दूसरा लेजर लाइट और तीसरा जू का। तो दोस्तों, हम लोग लेजर लाइट के बारे में पहले ही उस जगह का वीडियो बना चुके हैं जिसे आप आई बटन में ऊपर देख सकते हैं। जी हाँ, हम लोग आज कांकरिया जू, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, वहाँ चलते हैं और वहाँ का आनंद लेंगे। मेरा एडवाइस ये है कि आप जब भी जू जाइए तो आप दोपहर के थोड़ी सी बाद जाइए, क्योंकि दोपहर में अधिकतर जीव जंतु सोते रहते हैं। और दोपहर में जू घूमने के बाद आप शाम में लेक का भी आनंद ले सकते हैं, और उसके बाद लेजर लाइट का भी, जो कि 7 बजे के आसपास होता है, उसका आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग केवल इसमें केवल जू का सैर करेंगे। तो चलिए हम लोग कंकरिया जू का सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसका लोकेशन के बारे में जान लेना होगा। यह कंकरिया जू अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से केवल 7 मिनट के रास्ते पर है, जो कि 2.5 किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद अगर आप एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं तो ये 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जो लगभग 23 मिनट का रास्ते पर है। और अगर आप पालडी बस स्टैंड से जाना चाहते हैं तो यह केवल 4.6 किलोमीटर के आसपास है, और ये 12 मिनट में आप जू के पास पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जू में इंटर करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे ही जू के गेट से इंटर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को एक टिकट काउंटर होता है, जिसमें दो तरह के टिकट मिलते हैं, एक नॉर्मल जू के लिए। हाँ दोस्तों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें दो टाइप के जू हैं, एक तो नॉर्मल जीव जंतु के लिए, और दूसरा पार्ट यहाँ पे बनाया गया है जो जीव जंतु अधिकतर रात में निकलते हैं। तो दोस्तों, जब टिकट काउंटर पर आप लें तो कोशिश करें कि अपने जर्नी के अनुसार टिकट को ही लें, जो कि अभी 2019 के टिकट का रेट दोनों जू का 50 रुपये पर हेड है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नॉर्मल जू का सफ़र करते हैं। तो हम लोग जैसे ही एंट्री गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक बस का भी व्यवस्था किया गया है, जो कि आपको लेक के चारों तरफ घुमा सकता है। और जू में तो आप खुद पैदल ही घूम सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जैसे ही आप जू के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर एक मैप दिया गया है, जिसे आप देख कर ये समझ सकते हैं कहाँ पे कौन से पशु पक्षी और जीव जंतु मिलेंगे। तो हम लोग गेट नंबर 2 से जू के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आप वहाँ पे बंदर को देखेंगे, और इस तरह से वो झांकते हुए, खिड़की से बाहर झांकते हुए दिखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये बहुत ही रोमांचक है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये पिंजरे पे चढ़े हुए हैं, और ये बंदर के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजाति हैं। और यहाँ पे सबसे खास बात ये दोस्तों, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है कि आप जीव जंतु को नहीं छेड़ें और उन्हें खाने का प्रलोभन नहीं दें। और हाँ दोस्तों, जैसे ही आप थोड़ी सी दूर आगे बढ़ेंगे तो मेन गेट के पास ही वहाँ पर एक कैंटीन है, जिसमें आप थोड़े बहुत तो स्नैक्स का मज़ा ज़रूर ले सकते हैं, जिसका नाम हिल गार्डन जू कैंटीन है। और मैंने ये फील किया दोस्तों, वहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, और वो आपको अन्य इन्फॉर्मेशन के भी बारे में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने जू के सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से एक बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं जिसे हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही नेचुरल रूप में जानवरों को रखा गया है। हाँ दोस्तों, आप इस तरह यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग उछल कूद कर रहे हैं।
और हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है। सबसे पहले इसमें है डोंट फीड एंड टीज एनिमल्स, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जू का कुछ अपना ही नियम कानून है, जो कि आप यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो आगे हम लोग जब और बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग फ्लाइंग फॉक्स को देखते हैं, और यह बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। और इतने सारे एक जगह, मैंने तो बहुत जू को देखा है, लेकिन यहाँ के मेंटेनेंस को देखकर मैं दंग रह गया। कोई भी केज में खाली नहीं था, कुछ न कुछ जीव जंतु जरूर थे। बहुत सारे जू में तो केवल केज रहते हैं, जीव जंतु तक नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे अपने जू के सफ़र को जारी रखते हैं और वहाँ पे कछुआ को देखते हैं। टर्टल को देखने के बाद आप आगे जब बढ़ते हैं तो तरह तरह के पैरोट को यहाँ रखा गया है, जिसमें पहाड़ी पैरोट या जिसे यहाँ लोकल लैंग्वेज में पोपट भी बोला जाता है। और आप देख सकते हैं एक केस के अंदर कितने यहाँ पर पैरोट को रखा गया है। उसके बाद हम लोग सारस के प्रजाति को देखते हैं, जो कि लगभग 1 मीटर तक लंबा होता है। और यहाँ पे तोते के तो बहुत प्रकार हैं, जिसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पिकॉक को देखते हैं, और आप यहाँ पर केज के अंदर देख सकते हैं कि कितना ही सुनहरा एक पिकॉक बैठी हुई है। उनके मोर पंख को देखकर तो कुछ कहना ही क्या था। इसमें तो कुछ ऐसे ऐसे कलेक्शन थे जिसे मैं पहली बार देख रहा था, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एमू के प्रजाति को देखते हैं, जो कि साइज में बहुत ही बड़ा होता है। आप यहाँ पे खुद इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमू का साइज 6 से 7 फीट तक होता है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर से मोर के दूसरे प्रजाति को देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, जब हम लोग सरीसृप सेक्शन, स्नैक्स हाउस या रेप्टाइल हाउस में जब प्रवेश करते हैं, तो इसके बात ही अलग थे। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के सांप थे, जो कि एक जगह पर रखे हुए थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये रेप्टाइल हाउस की अंदर को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक टोटवाइज को देखते हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे चलता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक मगरमच्छ के छोटी सी प्रजाति को देखते हैं, और ये भी बिल्कुल स्क्रीन पे आप चलता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग रॉक पाइथन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आप एक कोने में पड़ा हुआ देख सकते हैं, और यह बहुत ही लंबा पाइथन था। इस रेप्टाइल हाउस का भी कलेक्शन बहुत विचित्र था। यहाँ पे बहुत तरह तरह के सांप मिले, जैसा कि आप ऊपर यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हर रेप्टाइल के शीशे के बाहर उनका इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं यह कि ये कहाँ पे पाया जाता है और यह किस प्रजाति का है। उसके बाद हम लोग पानी का कछुआ को देखते हैं, जिसे आप यहाँ तैरता हुआ देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इनको दम नेचुरल इन्वायरमेंट दिया गया है। जिसमें जीव जंतुओं को ये फील ना हो कि ये
केज में या शीशे में बंद कर दिए गए हैं। तो ये दोस्तों रेप्टाइल हाउस का बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। जब हम लोग रेप्टाइल हाउस से बाहर निकलते हैं तो टर्टल के दूसरे प्रजाति को देखते हैं, और एक जगह इतना सारा टर्टल तो मैंने पहली बार देखा। उसके बाद हम लोग वाइट ब्लैक बक को देखते हैं, जो कि आप दूर में कोने में देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हम लोग लाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी बारे में जिक्र कर रहा था कि आप भूलकर भी 12 बजे के आसपास नहीं जाएं, क्योंकि उस समय लाइन अक्सर सोता हुआ पाया जाता है। तो दोस्तों आप प्रोग्राम इस तरह से करें, या तो आप बिफोर नून जाएं या आफ्टरनून जाएं। और आफ्टरनून जाने के बाद आपको मैं पहले ही बता दिया है कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। आप यहाँ पे केज के अंदर लाइन को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो फॉक्स की एक प्रजाति को देखते हैं। जो कि इधर से उधर चौकड़ी भर रहा है। उसके बाद हम लोग पोर्क्यूपाइन की प्रजाति को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक केज में यहाँ पे 4 से 5 पोर्क्यूपाइन हैं। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को एलिफेंट केज मिलता है, जिसमें आप यहाँ पे हाथी को झूमते हुए देख सकते हैं। और हाथी यहाँ पे बहुत ही आनंदित मुद्रा में है। आप यहाँ खुद देख सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग काले वृक्ष को देखते हैं, जो कि आप यहाँ पे खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग नीलगाय के प्रजाति को देखते हैं, और वहाँ पे एक केज में 3 से 4 नीलगाय हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यह हमारा कोशिश था कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु को दिखा पाऊँ। और हाँ दोस्तों, इस तरह हमने अहमदाबाद के स्थित कंकरिया जू के अंदर नॉर्मल जू को दिखाने का कोशिश किया। और जैसे ही आप जू से बाहर निकलते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ टॉय ट्रेन का मज़ा ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे अटल एक्सप्रेस स्टेशन के नाम से एक छोटा सा स्टेशन बनाया गया है। और उसके बाद अगर आप थक गए हों तो लेक किनारे बैठकर आप वहाँ के मंद मंद ठंडी हवा का भी मज़ा ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर कुछ पर्यटक लेक का मज़ा ले रहे हैं और प्राकृतिक के खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको यह ज़रूर बता दूं कि शाम में इस लेक का अद्भुत छटा होता है, जिसे आप देखकर बहुत ही आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि यह चारों तरफ से तरह तरह के रोशनी से एकदम अद्भुत नज़ारा हो जाता है। तो दोस्तों, यह मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।